Good morning students, once again KD sir from Shivam Education, right? Last video में हमने exercise 5.2 का question number 1 to 10 किया, right? Now let's continue in this video question number 11 to 20 तक, right? Let's start. Question number 11 of exercise 5.2. Which terms of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term? देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है सब में, खाली आपको समझना है बराबर। तो यहां पे पहले तो ये लिख लेते हैं, यार ये इज इक्वल टू क्या है 3, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब हमको एक टर्म ढूंढना है तो लेट्स ए एन रखते हैं, वो जो ढूंढना है उसको ये रखते हैं बराबर। तो नाउ An is equal to 154th term plus 132, right? देखो उन्होंने ये बोला कि which term will be of this AP will be 132 more than the 54th term. अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 54th मतलब A plus 53D plus 132, okay, and this will give an is equal to ये कितना आ जाएगा, ये है हमारा 353 मतलब 53 into 12 बराबर, that is plus 132, okay, this will give 135 plus कर दिया plus 12 3 जा 36 3 12 5 जा 60 63 बराबर, ये दोनों को प्लस कर दीजिए तो an is equal to 636 है तो 11 का 1 7 और ये 771, ओके। सो दिस इज द an, लेकिन अब विच टर्म पूछा है तो हमको n ढूंढना है, चलो ये ढूंढ लेते हैं। नाउ An is equal to क्या फॉर्मूला है, A plus N minus 1 D, right? तो ये 771 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी हमारा आ गया 3, N minus 1 तो ढूंढना है और D क्या है 12, तो 771 minus 3 is equal to N minus 1 का 12, अब ये कितना हो जाएगा, that will give 8, 6 और ये 768, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 12, that is n minus 1. अब therefore n minus 1 is equal to 64, therefore n is equal to आराम से 64 plus 1, therefore n is equal to 65th term, बराबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 65th term, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 65th term will be 132 more than 54th term, ओके, राइट। चलो तो अवर एक्स क्वेश्चन नंबर 11 इज ओवर, अगर आपको कुछ समझ नहीं पड़े तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में लिखकर, ओके। लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन डिफरेंस, कोई भी सीरीज में सेम ही रहेगा बराबर। अब यहाँ पे दोनों के कॉमन डिफरेंस भी सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर भी उनका सेम से है बराबर, सीरीज जो है वो वही फॉलो कर रहा है। तो अगर उनका डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म दिया है, राइट, लेट द वन सीरीज इज A1, A2, A3, .. An रखते हैं, एंड the another series
is b1 b2 b3 dot 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 bn रखते हैं, right? तो now d is same for both, right? ये given है, okay? Therefore ये b 100 माइनस ये 100 इज इक्वल टू 100, ये भी गिवन है, दिया है, राइट? यार द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस विल बी सेम थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीरीज, राइट? Therefore, B1000 minus A1000 will also be equal to 100, right? This is your answer, okay? So the common difference will remain same, whether it is the 100th term, अगर एक term का common difference दे दिया है, दो term रहे, B100 और E100 का, तो बाकी कोई भी नंबर का हो, भले 999 हो या 500 हो, वो 100 ही रहेगा, ओके? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7? अब ये जो 7 से डिवाइड होने वाले, पहले तो देखिए टिल 99 इट इज टू डिजिट, तो थ्री डिजिट स्टार्ट होता है, राइट? थ्री डिजिट्स 100, 101, 102 कहाँ तक आएगा था? 999 तक, राइट? अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो डिविजिबल हो, तो अगर आप देखें तो आप सबको डिवाइड करके देखिए, देखें 100 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा, 7 1 7, राइट? 30 है, तो 7 4 28 2 बचेगा, राइट? ये नहीं चलेगा, 101 डिवाइडेड बाय 7, तो ये देखिए वैसे ही अगर देखें तो 14 तो आएगा ही, 7 1 7, राइट? वापस 28 28 तो 29 30 31, बराबर, तो 3 आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 3 upon 7, ये भी नहीं चलेगा, तो 102 देखें डिवाइडेड बाय 7, तो वापस 7 1 7, 32 मतलब वापस 7 4 28 और 4 upon 7, राइट? अब 103 देखो, 7 1 7 7 1 33, वापस क्या हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा, राइट? 14 5 upon 7, वापस 104 देखो, तो 14 6 upon 7, अब 105 देख लीजिए हो जाएगा, राइट? दैट इज 7 1 7 3, तो 7 5 35, ओके? अब ये हमारा ये मिल गया, याद रखो, राइट? वैसे ही हमको अभी क्या करना है, लास्ट डिजिट ढूंढना है, राइट? तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 7, तो ये अभी क्या करना पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट कीजिए, 999 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 29, तो 7 4 28 1, 7 2 14, फिर उसके बाद ये आ रहा है, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल, वापस 999 डिवाइडेड बाय 998 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 1 7 2, तो 7 4 28 का 1, दैट इज क्या हो जाएगा, 98 है ना, तो 18, तो 7 2 14, वापस 4 रहेगा, तो ये नहीं चलेगा, 997 ये भी नहीं चलेगा, राइट? फिर 996 7 7 1 7 7 4 7 4 28, कभी उसके बाद 916 7 2 14,
right? 7, 29, 30, 16, 7 to the 14, 2, 2 upon 7. फिर इसके बाद 995, 7, 1 to 7, 4 to 28, 1, that is 15 हो जाएगा, 1 upon 7, right? अब ये हो जाएगा 142, 3 upon 7, याद रखो. अब आएगा 94, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपको दिखा देता हूँ, 4 upon 7, 3 upon 7, 2 upon 7, 1 upon 7, अब 7 upon 7 आएगा, that is 7 on the 7, 7 for the 28, 1, that is 7 to the 14, right, again, therefore the last digit is 148 is the last digit, right, so that is L. Okay, now ये is equal to यहाँ पे है 105, right? फिर इसके बाद A N D is equal to क्या होगा? 7 होगा क्योंकि divisible है, और A N क्या हो जाएगा? 994, right? Now अब A N is equal to A plus N minus 1 D, that is 994. ये कितना हो जाएगा? 105 प्लस n माइनस 1 7, 994 माइनस 105 करो तो ये आपको मिलेगा 7, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 89, that is n माइनस 1 अपॉन 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 1 जा 7, ये हो जाएगा 1, 7, 2 जा 14, ये हो जाएगा 7, right? Therefore, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128. Therefore, there are 128 terms, ऐसा लिखो, terms of 3 digits number. Digits number divisible by 7. Divisible by 7. Okay, got it, friends? Right? तो ये इस तरह आपको करना है, आराम से करना है. पहले आपको ये ढूंढ लेना है, फिर उसके बाद ए एन ढूंढ लेना है. डी तो दिया हुआ है क्योंकि divisible by 7 मतलब 7 का मल्टीपल आएगा, तो डी हमेशा 7 रहेगा, राइट. फिर उसके बाद ए एन से आपको एन ढूंढ लेना है और ये आपका आंसर रहेगा. ओके, नाउ लेट्स डू इट. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? देखो यहाँ पे यहाँ digit की बात नहीं की, उन्होंने direct 10 से शुरू किया, right? तो अब ये multiple बोला तो divisible हुआ, right? 4 से divide होना चाहिए. तो now same way last time जैसा किया वैसे ही check करते हैं, right? Now 10 divided by 4 होगा, देखिए तो नहीं, right? तो कितना हो जाएगा? 4 to the 8, 2, that is 2.5, not possible. 11, वापस, ये भी नहीं आएगा, 4 to the 8, 3 upon 4, लेकिन 12, yes, 4 के टेबल से आ जाएगा, 4, 3, the 12, तो हमारा ये क्या होगा, ये will be 12, right, पहला एक लाइन मिल गया, okay, okay, now, similarly, 250 का देख लेते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 4 होता है, देखो 4 6 आर 24, 1 4 2 आर 8, दैट इज 2 अपॉन 4, नहीं चलेगा. तो 249 डिवाइडेड बाय 4, वापस 62, दैट इज 1 अपॉन 4 आएगा, ये भी नहीं चलेगा. फिर उसके बाद 248 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 2 से और ये 2, right? That means AN जो है, that is 248. Okay, 248 है. अब वापस देखिए 4 से multiply है, therefore ये हो गया, right? Here D is equal to 4. D is equal to 4 because it's multiple of 4. ओके, तो चलो हमको एन ढूंढना है,
an is equal to a plus n minus 1 d. an तो हमने ढूंढ लिया था 248, ये 12 है, n minus 1 ऐसे ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा. 248 minus 12 is equal to n minus 1, 4 हो जाएगा, right? That is, क्या आएगा? 248 में से तो ये 6 हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा 3, 236 is equal to n minus 1, 4. राइट, यहां पे लिख देता हूं मैं. n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 9 जा 36. देयरफॉर n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 60. तो कितना बोला था, लिख दो, देयर आर 60 मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250. ओके, चलो, आई होप यू ऑल गॉट इट. चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल. नाउ ये देख लेते हैं. सपोज द फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी क्या है, 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, राइट. इसमें है ए क्या है, 63 है, डी क्या है, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, बराबर है. अब एन जो है हमको ए एन जो है इक्वल दिया है, राइट. Let's see now how it is. अब second AP, second AP क्या है, यहाँ पे second AP हम ले लेते हैं 3, 10, 17 dot dot dot, right? ये is equal to 3 है, d is equal to 10 minus 3 that is 7 और n ढूंढना है. राइट, हियर इट इज गिवन दैट, अच्छा यहां पे एन क्या आएगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, नाउ एन इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस वन, ये 2 हो जाएगा. ओके, चलो अब ये वापस सॉल्व कर लेते हैं. 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज an हो जाएगा. 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n ऐसा है. यहाँ पे वैसे ही देखिए, हियर an इज इक्वल टू, राइट, हियर an इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d. ओके, तो an तो हमको ढूंढना है. ये यहाँ पे 3 दिया है, n माइनस 1 7 है, तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 दैट इज an इज इक्वल टू 7n माइनस 4 हो जाएगा, राइट. अब ये यहाँ तक हमको दिया हुआ है, ओके. नाउ उन्होंने ऐसा बोला है कि उनका दोनों का ए एन इक्वल है, राइट. नाउ बोथ ए पी, एन ऑफ फर्स्ट ए पी इज इक्वल टू एन ऑफ सेकेंड ए पी, बरोबर. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, बस सॉल्व हो जाएगा. दैट इज 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 दैट इज माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65 दैट इज n इज इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5, राइट. तो n इज इक्वल टू
13 अगर, तो ये हमारा आंसर है। उन्होंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू, देयरफॉर फॉर एन इज इक्वल टू 13 बोथ दी एंथ टर्म ऑफ टू ए पीस आर इक्वल। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक एपी का इसी तरह फाइंड करना है ए एन तक, सेकेंड एपी का इस तरह फाइंड करना है ए एन तक, फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों को इक्वल करके बोला है तो दोनों को सामने सामने लिख दो, सॉल्व करेंगे तो एन मिलेगा, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो फॉर एन इज इक्वल टू 13 बोथ दी एंथ टर्म ऑफ द टू एट पीस आर इक्वल। ओके, सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। देखो यहाँ दो चीज दिया है, एक तो थर्ड टर्म दिया है दैट इज 16, तो यहाँ पे नाउ ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस ओडी, लेकिन ए थ्री क्या दिया है 16, देयरफॉर ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16 ये ले लेते हैं, राइट, ये इक्वेशन वन बना लेते हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट ए सेवन एक्सीड्स फिफ्थ टर्म ए फाइव बाय 12, राइट, द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब यहां डाल देते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12। ओके, ये कट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे 60, तो 60 माइनस 4d। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब बीच में इज इक्वल टू हो और दोनों बाजू सेम साइन हो, प्लस प्लस होगा तो कट हो जाएगा, राइट, ये एक याद रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस लेके आने में गलती करते हैं। इज इक्वल टू 12, दैट इज 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 6। नाउ d इज इक्वल टू 6, तो इसको बॉक्स बना लो, राइट, d इज इक्वल टू 6। नाउ वैल्यू डालो, पुटिंग दिस वैल्यू क्या आ जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू में a प्लस 2d मतलब 6 बराबर इज इक्वल टू 16, तो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, राइट, देयरफॉर ये भी बॉक्स बना लो। ओके, नाउ ये इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 6 है, देयरफॉर द गिवन एपी इज आपको मालूम है, ए का 4 लिखो, ए प्लस बी का क्या आएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10, ए प्लस 2d का क्या आएगा दैट इज 4 प्लस 2 6 ने दैट इज 12, दैट इज 12 प्लस 4 16, राइट, 6 6 क्या आएगा, देयरफॉर द गिवन एपी इज 4, 10, 16, 22 dot dot dot। ओके, सो दिस इज योर आंसर। 6 का गैप आपको 6 ऐड करते जाने का प्रीसीडिंग नंबर के साथ, और ये आपको एपी मिल जाएगा। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 20, 253, बराबर। तो अगर आप यहां देखें तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डी, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉमन रेफरेंस डी। डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, राइट। नाउ इफ वी राइट एपी एस अंडर, तो अगर हम उल्टा लिखे तो 253 में से 5 गया तो 248, फिर 243, 238,
डॉट 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 राइट, वहां से 3 तक राइट। तो नाउ ये इज इक्वल टू हो जाएगा 253 राइट। अब यहां पे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248 माइनस 253, अब ये हो जाएगा माइनस 1। ओके गेटिंग, और n इज इक्वल टू हमको 20, मतलब 20 टर्म यहां से ढूंढना है। चलो ये इज 20 इज इक्वल टू ये प्लस 19d, दैट इज 253 प्लस 19 माइनस 5 राइट, दैट इज ये 20 इज इक्वल टू 253 माइनस 5 9 45 4 95 राइट। अब इससे अगर हम माइनस करें तो ये 8 यहाँ पे हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, दैट इज देयरफॉर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म will be 158. Okay, getting? Let's do the question number 18. Question number 18. The sum of the 4th and the 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. So, sum of 4th and 8th, that is A4 plus A8 is equal to 24. बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस 3d प्लस ये प्लस 7d is equal to 24. That is 2a plus 10d is equal to 24. That is a plus now 6th and 10th term is 44. राइट, तो 6th एंड 10th टर्म मतलब ये ना ये 6 प्लस ये 10 इज इक्वल टू 44, दैट इज ए प्लस 5d प्लस ये प्लस 9d इज इक्वल टू 44 राइट। अब अगर हम देखें तो 2a प्लस 14d is equal to 44, तो ये हो जाएगा a plus 7d is equal to 22, equation number 2, right? अब elimination method करते हैं, right? Now, subtracting 1 from 2, right? चलो, a plus 7d is equal to 22. A plus 5D is equal to 12, minus 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 cut हो गया, that is 2D is equal to 10, so D is equal to क्या आ गया 5, okay ये वाला लिख लीजिए। Now अब क्या करना है, D का value डालेंगे, putting this value इस वैल्यू, ओके कहा कोई भी नंबर में, तो ये प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है राइट। चलो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो क्या आएगा ये इज इक्वल टू 12 माइनस 25 राइट, तो ये इज इक्वल टू माइनस 13, तो देयरफॉर ये दूसरा हमको ये मिल गया, देयरफॉर our first 3 terms are, पहले a is equal to minus 13, a plus d is equal to क्या आएगा minus 13 plus 5, that is minus 8, फिर a plus 2d is equal to क्या हो जाएगा minus 13 plus 10, that is minus 3, therefore 3 terms कौन से हैं, minus 13
minus 8 minus 3 are the first three terms. Okay, chalo, ye aapka answer. I hope you got it. Now, question number 19. सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995. तो उन्होंने सबसे पहले 1995 को स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000. तो यार A1 = A = क्या हुआ 5000 बराबर. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर. इंक्रीमेंट मतलब उसका एडिशनल राइट दैट इज डी. डी इज इक्वल टू 200. तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम ईयर बिकम. तो यहाँ पे ए एन दिया है दैट इज 7000. तो हमको क्या ढूंढना है एन ढूंढना है राइट. कौन से साल इजी है ना. चलो लेट्स सी. अब ईयर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस वन 200. That is 7000 minus 5000 is equal to n minus 1 200. That is 2000. Sorry. That is 2000 divided by 200 नीचे आ जाएगा. That is n minus 1. तो दो जीरो चला जाएगा. अब ये हो जाएगा 210. तो n minus 1 is equal to 10. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11. ओके तो यहां लिख दीजिए ऑन 11th ईयर इस सैलरी इस इनकम विल रीच 7000. ओके ये आपको लिख देने का डन राइट. Now let's move to the our last sum, question number 20. Now question number 10. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. So yahan dekhiye year A is equal to matlab first year. Barabar first year kya ho jayega 5 rupees that is first year. Barabar or then weekly save first week hai, sorry first week. Okay, then every week she saved 1.75. That is 1.75 add karte gaye. So D is equal to kya ho jayega 1.75. Aur AN is equal to kya diya hai 20.75. Humko kya dhoondna hai N dhoondna hai. Barabar. So here let now AN is equal to A plus N minus 1 D. That is 20.75 5 plus n minus 1 और ये हो जाएगा 1.75 बराबर. चलो और ये हो जाएगा 20.75 minus 5 is equal to n minus 1 1.75. This will give 15.75 upon 1.75 n minus 1. अगर इसे आप कैलकुलेशन करते हैं कैंसिलेशन वाला 100 ऊपर आएगा नीचे भी 100 आएगा इनटू 175 राइट दैट इज n माइनस 1. तो ये 100 का 100 कट जाएगा और 175 का अगर आप देखो ना 25 7 ये 25 63 that is 7 9 राइट. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10. क्या पूछना है राइट. इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम रुपीज 20.75. ओके सो दिस इज द वे. So we have to do this way. So students, we have finished exercise 5.2, right? हमने इसे दो वीडियो में दिया है 1 to 10 एक वीडियो और अभी 11 to 20 दूसरे वीडियो में दे रहे हैं. सारे सम्स अच्छी तरह कीजिए.
एवरी एक्सरसाइज सम आप 3 बार कीजिए, एक बार अगर आप देख के करते हैं, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम देखे बिना करने की कोशिश करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 100 out of 100 आएगा इफ़ यू फॉलो दिस मेथड, एक्सरसाइज सम्स 3 times, एग्जाम्पल्स 2 times, ओके। सो नाउ लेट्स मीट इन एक्सरसाइज 5.3, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ओके। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और शेयर इतना करो कि सारे बच्चों को पहुंचे, राइट। चलो बाय, सी यू।